हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं रेसिपी, और वो रेसिपी है आटे का हलवा, जो काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप शक्कर, और उतना ही हमने 1 कप जो है गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लोर, और ये जो है इसके अलावा उतना ही जितना हमने शक्कर ली है, जितना आटा लिया है उतना ही हमें जो है घी भी लेना है। तो ये तीनों हमने जो है 1 कप शक्कर, 1 कप आटा और 1 कप घी लिया हुआ है। ये बराबर मात्रा में ही आपको रखना है। आप घी चाहें तो, अगर आप कम खाते हैं तो आप घी को कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे आटे को भूनेंगे। कढ़ाई में कुछ भी घी वगैरह पहले नहीं डालना है, केवल आपको आटा डाल के भूनना है। और इसको भूनने से जो है, जो आटे में जो मॉइस्चर होता है वो जो है इसका ख़त्म हो जाता है, और इससे जो हलवे का टेस्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ भी जाता है। तो आपको इसको जो है 5 मिनट के लिए भूनना है, और मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसको चलाते रहना है, नहीं तो आटा जो है नीचे से लग सकता है। और आप कैसे समझेंगे कि ये आटा भून चुका है, तो जब आप आटा भूनेंगे तो उसमें अच्छी सी थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी। जब खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि आटा जो है वो भून कर तैयार हो चुका है। इसी तरह से चला चला के हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे। अब आटे में जो है अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब ये हो गया है कि आटा जो है भून कर तैयार हो चुका है। आटे को आपको बहुत जलाना नहीं है। अब हम इस आटे को जो है किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई को दोबारा चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे सबसे पहले घी। घी को मैंने थोड़ा सा बचा लिया है बाद में डालने के लिए। अब घी गर्म होने पर हम इसमें जो आटा भून कर रखा हुआ है वही आटा हम इस घी में डाल देंगे। और इसको भी हम जो है आटे को अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमें जो है मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है आटे को। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप घी कम खाना पसंद करते हैं तो आप चाहें तो इसमें कम घी डाल सकते हैं। इतना घी आप मत डालिए, आप कम डाल सकते हैं। इसका टेस्ट घी से ही बहुत अच्छा सा आता है। जैसे आपने गुरुद्वारा वगैरह में काढ़ा प्रसाद खाया होगा, उसका वैसे ही टेस्ट बिल्कुल आता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका होता है और ये बन भी बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपने आटा 1 कप लिया है तो आपको पानी जो है 2 कप डालना है, या आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पानी ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो बाद में पानी जो है वो सोख हो जाएगा। और इसको मिक्स करने के बाद, इसके तुरंत बाद हम डाल देंगे इसमें शक्कर, और शक्कर को जो है अच्छे से मिक्स करेंगे हलवे में। और ये सब जो है हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अगर आप बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो नीचे से ये जल सकता है हलवा। और इसको जो है शक्कर को अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अभी जब आप इसको भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक, तो ये इसका कलर धीरे धीरे जब शक्कर वगैरह आप डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। अब ये भुन गया है, इसके बाद थोड़ा सा बाद में जब ये लगभग तैयार होने वाला होगा तो हमने यहाँ पे घी डाल दिया है। इसके डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। घी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा जो है भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, जो चाहें आप डाल सकते हैं। पर यकीन मानिए, इसमें अगर आप ये सब ना भी डालें तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा लगता है, तो इसमें मैं कुछ भी मेवे ऐड मैंने नहीं किए हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब ये हलवे का कलर देखिए कितना अच्छा है, और लगभग ये बनकर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो ये हलवा हो गया है रेडी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।